फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आंवले का मुरब्बा बनाने जा रहे हैं। यह बहुत ही फायदेमंद होता है, सर्दियों में इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए चलिए फिर बनाते हैं आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ आंवला लिया है 500 ग्राम। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है। अब हम इस पतीले के अंदर 2 कटोरी पानी डालेंगे। और गैस को हम ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर हम एक जालीदार बर्तन रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम आंवला रखेंगे। अब हम आलू को 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छी तरह से स्टीम कर लेते हैं। अब हमारे 15 मिनट हो गए हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं आलू को। यह देखिए, आलू जो है बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। चक्कू का जो नोक है वह हमारे अंदर की साइड बिल्कुल चला जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा आलू जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, आंवले को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके बीज को हम अलग कर लेते हैं, इसको ऐसे दाब के हम इसे इस तरीके से हम अलग कर लेंगे। सभी बीजों को हम निकाल लेंगे एक साइड। देखिए, हमने बीजों को आंवले में से अलग कर दिया है। अब हम इन सभी को चॉप कर लेते हैं चॉपर से। चॉपर में डालेंगे। इसे हम चॉप कर लेंगे या फिर हम इसे कद्दूकस से, हम कद्दूकस भी इसे कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे चॉपर से चॉप करेंगे। इसे हमने चॉप कर लिया है, चलिए इसे खोल के देखते हैं। यह देखिए, यह हमारा बहुत ही अच्छी तरह से चॉप हो गया है। ये देखिए, दरदरा हुआ है। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। यह देखिए, सभी आलू को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। मैंने यहाँ नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में इसे मत बनाइएगा, इसे हो सके तो स्टील की ही कढ़ाई में बनाना बहुत ही अच्छा है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे। सबसे पहले इसे हम पिघलने देते हैं। घी हमारा पिघल गया है। अब हम इसे चॉप किया हुआ आंवला इसी के अंदर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे बराबर चलाते हुए। 5 मिनट हो गया है, आंवले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है। इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने तक मिलाएंगे। यह देखिए, गुड़ जो है हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है, मिल गया है इसके अंदर, और इसमें से पानी भी निकल गया है आंवले में से। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए थोड़ा इसे अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। यह देखिए, हम इसी तरीके से चलाते हुए अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने हल्दी लिया है 1/2 चम्मच, लौंग लिया है 4, इसे हमने अच्छी तरह से कूट लिया है,
दो दालचीनी के छोटे छोटे पीस लिए हैं, ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च इसे भी हमने कूट लिया है, यहाँ मैंने हरी इलायची ली है 4, इसे भी मैंने बारीक कूट लिया है। इन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर डालेंगे। यह देखिए सभी चीज़ों को हम इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने से हमारा कलर आ जाएगा हमारे मुरब्बे के अंदर, बहुत ही अच्छा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। यह देखिए हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए इसका जो पानी है वो बिल्कुल सूखने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हम गीला ही रखेंगे ताकि यह ठंडा होने पर बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। और इस स्टेज पर हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चटपटे के लिए चाट मसाला, गरम मसाला या फिर आप लाल मिर्ची पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको ठंडा होने के लिए, और एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।